व्हाट्सअप कैसे सभी लोग। और आज के में मैं और एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज के में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 15,000। सो लास्ट वीक हमने किया था टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 20,000, जिस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिखाया था। तो मैंने सोचा यार 15,000 का करना तो बनता है। और ये सीरीज करने में मुझे काफी मेहनत लगती क्योंकि इसमें इतने सारे फोन कन्फ्यूजन तो बहुत है, लेकिन आज मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज के वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना है मत, क्योंकि ऐसे टेक और गेमिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। मेरा एक और चैनल जिसका नाम है अग्नि गेमिंग, वहाँ पे मैं गेमिंग के वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो फिर आज के वीडियो हम यहाँ पर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दें। तो दोस्तों, हमें बात करते हैं टॉप 5 की। सो टॉप 5 में पांचवें नंबर पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, या इन्फिनिक्स का नोट 11S। ये काफी मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ इन्फिनिक्स के 15,000 से 20,000 में काफी अच्छे अच्छे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। सो इन्फिनिक्स के लिए सबसे पहले तो गुड जॉब। और बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। सो इसमें आपको देखने को मिल जाता है एक 6.95 इंच का फुल HD डिस्प्ले और IPS LCD डिस्प्ले है, 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट है। या मुझे लगता है ये पूरे सेगमेंट में ये एक ही फोन है जिसमें आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, क्योंकि बाकी सारे फोन्स में आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट है। बात करते हैं OS की। सो Android 11 है और Infinix का Exynos 10 है। प्रोसेसर की बात करें सो MediaTek का Helio G96 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी अच्छा प्रोसेसर है। डे टू डे अगर आपको गेमिंग करना है BGMI Free Fire सो ये आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो। वेरी हाई पे नहीं खेल सकते पर हाई पे एकदम स्मूथली चलेगा। और ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। बात करें रैम स्टोरेज वेरिएंट्स की, सो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आपको 15,000 के नीचे देखने को मिल जाता है। बात करें कैमरा की, 50 megapixel का मेन कैमरा है और इस फोन का कैमरा अच्छा है। जब मैंने इन्फिनिक्स की एक बात नोटिस की है कि उनके जो कैमरा के अंदर सेंसर्स होते हैं वो नॉर्मली काफी ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। सो इन्फिनिक्स के कैमरा नॉर्मली काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। सो बात करते हैं अभी हम लोग नंबर 4 की। सो नंबर 4 मैं आपको अगले क्लिप में बताऊंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। सो नंबर 4 का भी फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, जी हाँ, इन्फिनिक्स का नोट 11। या आजकल मैं देख रहा हूँ इन्फिनिक्स के काफी अच्छे फोन आ रहे हैं। सो ये मैंने टॉप 5 में नंबर 4 पे क्यों रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें आपको देखने को मिल जाता है एक 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। जी ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इन्फिनिक्स ने AMOLED दिया ना, तो ज्यादातर इन्फिनिक्स के फोन में हमें 60Hz और IPS ही देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें है AMOLED और G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर में उतना ज्यादा खास नहीं है, यानी ये फोन है उन लोगों के लिए जिनको डिस्प्ले अच्छा चाहिए और बैटरी अच्छी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल जाता है 5000mAh की बैटरी, 50 megapixel का मेन कैमरा है, यानी कि कैमरा में भी इन लोग ने कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा है। सो जिन लोगों को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, जिन लोगों को कैमरा चाहिए और काफी अच्छा डिस्प्ले चाहिए, उनके लिए यही फोन है। सो इन्फिनिक्स नोट 11 इसलिए आता है हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे। सो दोस्तों, जो भी फोन्स मैं आपको इस लिस्ट में बता रहा हूँ वो सभी फोन्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हैं और जो भी फोन आपको चाहिए वो खरीद सकते हैं। सो बात करते हैं नंबर 3 की। सो ये वैसे नंबर 3 नहीं है, मुझे लगता है बहुत लोग को सिर्फ सैमसंग का ही फोन चाहिए होता है और सैमसंग का 15,000 के नीचे ये एक ही फोन है जिसमें काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने सैमसंग का M32 इस लिस्ट में रखा है। सो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। सो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.4 इंचेस का सुपर AMOLED डिस्प्ले, 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट भी है। ये मुझे काफी अच्छी बात लगी कि AMOLED तो दिए ही है प्लस 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी है, 800 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी है, Android 11 है, One UI 3.1 है और इसमें One UI का अगला अपडेट जल्दी आएगा और MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर है। प्रोसेसर इसमें मैं जानता हूं थोड़ा सा पुराना है, यानी कि Samsung का फोन वैसे भी लोग गेमिंग करने के लिए तो लेते नहीं है, Samsung का फोन लेते हैं बस दिखाने के लिए कि हां मेरे पास Samsung है। सो मुझे तो इतना ही पता है, सो इसलिए मैंने ये फोन रखा है नंबर 3 पे। सो दोस्तों, अब बारी आ गई है टॉप 2 की। हमेशा या तो ये 20,000 का हो या फिर 15,000 का हो, टॉप 2 में Xiaomi और Realme ये दोनों के फोन ही होते हैं। सो बात करते हैं नंबर 2 की। सो नंबर 2 में देखने को मिल जाता है Realme 8i। सो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। सो इसमें आपको देखने को मिलता है एक 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है और याद रखना जितनी ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट होगी उतनी बैटरी कम होती है, लेकिन Realme ने इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी है ताकि आपकी बैटरी आराम से 1-1.5 दिन तक चले। और बात करते हैं प्रोसेसर की। सो इसमें आपको G96 का प्रोसेसर मिलता है, ये 12 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि बैटरी मुझे लगता है इस फोन में उतनी ज्यादा चलेगी नहीं, 5000
4000 इमेज भले ही दी है पर वो 4500 इमेज के हिसाब से ही चलने वाली है। सो इतना आपको याद रखना। बात करते हैं कैमरा की। सो 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, हर फोन में यही मिलते हैं। सो मैं उतना डिटेल में जाऊंगा नहीं। फास्ट चार्जिंग 18 वॉट की देखने को मिल जाती है पर मुझे लगता है भाई आज के जमाने में 18 वॉट इज नॉट फास्ट चार्जिंग, एटलीस्ट 33 वॉट देना चाहिए था। पर क्योंकि इसमें डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, अगर आपको गेमिंग करनी है तो G96 इज अ वेरी केपेबल प्रोसेसर, इसलिए रियलमी 8 आई हमारी लिस्ट में आता है नंबर 2 पे। सो दोस्तों अब बारी आ चुकी है नंबर 1 बताने की। सो नंबर 1 पे आता है Xiaomi का Redmi Note 11T 5G। जी हाँ, अभी लॉन्च हुआ है और ये 1000 महंगा है। इसका जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो आपको 15999 का देखने को मिल जाता है। पर मैं ये आपको रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, जी अगर आप 1000 ज्यादा डालोगे उसमें आपको इतने ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं नहीं आपने सोचे भी नहीं होंगे। बात करते हैं इसके सीधा प्रोसेसर की। सो प्रोसेसर पे आते हैं। सो इसमें आपको देखने को मिल जाता है MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यह बहुत ही बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और बहुत अच्छा प्रोसेसर है यार। गेमिंग का आप BGMI और फ्री फायर तो एकदम टॉप लेवल की सेटिंग्स पे खेल सकते हो। सो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड है, 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है, एंड्रॉइड 11 है और MIUI 12.5 है। बात करें बैटरी की, सो 5000 mAh की बैटरी तो मिलती ही है, प्लस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है जो कि है 33 वॉट का। और Xiaomi ने ऐसा क्लेम किया है कि वो 100% हो जाएगा इन 60 मिनट्स, यानी एक घंटे में 100% हो जाएगा। ये Realme में नहीं था। अगर Realme में भी फास्ट चार्जिंग होता तो हो सकता है Realme 8i भी नंबर 1 पे आता, लेकिन ये आता है नंबर 1 पे। और मुझे लगता है आप 1000 एक्स्ट्रा देके काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस ले सकते हो, इसलिए Redmi Note 11T 5G हमारी लिस्ट में आता है नंबर 1 पे और ये काफी लेटेस्ट स्मार्टफोन भी है। सो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ पर यहीं पे खत्म करते हैं और ठीक है फिर मिलता हूँ मैं आपसे इससे एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एट होम। जय हिंद।